हाय गाइस, दिस इज अमित, स्वागत है एक बार फिर से आपका सिर्फ गिटार यूट्यूब चैनल पे। आई नो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी मिस किया होगा इस चैनल पे, बट येस नाउ आई एम बैक एंड आपके लिए बहुत सारी एक्साइटेड चीज़ें लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। और इस वीडियो में आज आपके लिए एक मेशर वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट जिनका नाम है विशाल मिश्रा, उनके आपको 4 to 5 सॉन्ग्स आपको एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएंगे, और वो भी जस्ट 3 ओपन कॉर्ड्स के ऊपर। और अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी गिटार प्ले करना शुरू किया है, तो ये सारे सॉन्ग्स एंड सारे कॉर्ड्स आप आज इस वीडियो से सीख लेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और प्रेस कर ले बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो से अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जान लेते हैं कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग के बारे में। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस मैशअप को प्ले करने के लिए आपको कैपो की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने अपने स्केल के अकॉर्डिंगली इसको 3rd फ्रेट पे प्लेस किया है। आप भी 3rd फ्रेट पे प्लेस कर सकते हैं, या आप अगर आपको आपको लगता है ये स्केल थोड़ा ऊपर जा रहा है, आपको थोड़ा लो में गाना है, तो आप अपने हिसाब से इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं या ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो कॉर्ड्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। अगर आपके पास कैपो नहीं भी है तो आप सारे कॉर्ड्स को ओपन में भी प्ले कर सकते हो। सो आपको कैपो प्लेस कर लेना है, और उसके बाद आपको सिर्फ 3 ओपन कॉर्ड्स आने चाहिए। वो 3 ओपन कॉर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कॉर्ड रहेगा ई माइनर कॉर्ड। अब ई माइनर कॉर्ड गिटार में सबसे इजी कॉर्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 फिंगर्स के साथ, या तो आप इंडेक्स और मिडल फिंगर ले सकते हो, या मिडल और रिंग फिंगर ले सकते हो। आपने 2nd फ्रेट की 4th और 5th स्ट्रिंग पे आपने इसको प्लेस कर देना, तो आपका ये ई माइनर कॉर्ड प्ले हो जाता है। तो इसके लिए आपने 6 की 6 स्ट्रिंग्स को यहाँ से आपने प्ले करना है। अब सेकंड जो कॉर्ड है वो है मेरा डी मेजर कॉर्ड। ये भी बहुत इजी है। डी मेजर कॉर्ड हम प्ले करते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ, मैं पकड़ लूँगा 2nd फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग, मिडल फिंगर के साथ 2nd फ्रेट की 1st स्ट्रिंग, एंड रिंग फिंगर के साथ 3rd फ्रेट की 2nd स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपने सिर्फ ये नीचे वाली 4 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। मेक श्योर आप जो पहली ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स हैं इसको ना हिट कीजिए, अदरवाइज ये बहुत बैड साउंड करेगा। तो डी मेजर की जो साउंड है वही ऐसी है, ना कि ऐसी। सो मेक श्योर आप नीचे की 4 स्ट्रिंग्स को ही हिट कीजिए। और थर्ड जो ओपन कॉर्ड है, इजी कॉर्ड है, वो है सी मेजर कॉर्ड। अब सी मेजर कॉर्ड को प्ले पिक आपको पकड़ने के लिए आपकी इंडेक्स फिंगर आपने रखनी है 1st फ्रेट की 2nd स्ट्रिंग पे, मिडल फिंगर आपने रखनी है 2nd फ्रेट की 4th स्ट्रिंग पे, और रिंग फिंगर आपने रखनी है 3rd फ्रेट की 5th स्ट्रिंग पे। और यहाँ पे आपने ऊपर की 5 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। आपने ये टॉप वाली स्ट्रिंग को अवॉइड करना है प्ले करने। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको प्ले नहीं करना, बट अवॉइड करना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आते जाएंगे। तो अभी हमने ये कॉर्ड्स हमने सीख लिए सारे, जिसमें हमने 3 कॉर्ड सीखे हैं। अब इसके बाद जो इसकी स्ट्रमिंग पैटर्न रहेंगे, तो मैंने इसमें 2 बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न आपको मैं सिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहला स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा मेरा डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ये फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है, और सेकंड भी बहुत सिमिलर है इससे, वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, फर्स्ट डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप, एंड सेकंड है मेरा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। सो आप जो भी एक स्ट्रमिंग पैटर्न पिक करेंगे, आप इतना ट्राई करना कि उसी स्ट्रमिंग पैटर्न को पूरे मैशअप के लिए प्ले करना, अदरवाइज ऐसा ना करना कि दोनों को मिक्स करना। एक आपने पिक करना है जो आपको इजी लगता है, उस पे आप प्रैक्टिस करो। सो अब आप देखिए मेरा कवर पार्ट, और उसमें मैं आपको प्रॉपर कॉर्ड प्रोग्रेशंस आपको विद लिरिक्स आपको शो हो जाएंगे वहाँ पे, और उसके साथ आप अपना गिटार की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ अभी आप देखिए मेरा कवर पार्ट। चम शर्मा दे तारे भी देख के लुक छुप जाते पागल पागल हैं थोड़े बादल बादल हैं दोनों मिलके बरसे लिए जरा अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे तेरी ये अदा जानिए तुझे न पता जानिए ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करे पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही
लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा, नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी बात है, दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा बस इतना बता देते, कोई बहाना कर लेते कोई तो बजा देती, दिल कागज का एक पंछी तू अंबर सारा है, तुझे जो देखे तो ये फुर फुर उड़ ही जाए, हरे मजा तेरा ते ये दिल की पतंग को काटे, हरे गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर्व पता हो बता देना, हो ना जाना मुझे देखते देखते पागल जैसे, बस तुमसे प्यार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए है कैसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए है कैसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या गिटार से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटेड चीज़ें मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे भी इंपॉर्टेंट है आप प्रेस कर लें बेल आइकन को ताकि आपको हर कोई अपडेट आपको टाइमली आपको आपके फोन पे या डेस्कटॉप पे मिलती रहे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।